चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करते ही दरभंगा नगर का सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को युवा राजद के जिला अध्यक्ष राकेश नायक की पत्नी ने भी नगर से महापौर पद पर अपनी दावेदारी ठोक कर शहर की सियासत में भूचाल ला दिया है। राकेश नायक के इस फैसले के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, जबकि उम्मीदवार निर्माता नायक दरभंगा शहर के नव निर्माण के लिए अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरभंगा चल रहा है बदलाव की ओर और निश्चित तौर पे ये जो मौका मिला है दरभंगा की धरती को, मिथिला की पावन धरती को, अपने वोट से यहाँ के एक एक लोग अपने वोट से जनप्रतिनिधि को चुन के सदन भेजेंगे, निश्चित तौर पे वो समय बदलाव का होगा और ये बदलाव की ओर दरभंगा जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी, मेरी धर्मपत्नी निर्माता नायक जी महापौर पद के लिए अपना नॉमिनेशन दिनांक 16/9/2022 को करेंगी और हम लोग मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को समझेंगे। वैसे भी मैं लगातार समाज सेवा के माध्यम से सभी वार्डों का भ्रमण करता रहा हूँ। एक एक मुद्दा मेरे द्वारा चिन्हित किए जा चुके हैं पहले भी। नगर निगम में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है, जहाँ दिहाड़ी पर लोग मजदूरी का काम करा लेते हैं और उनके ESRPF का पैसा निगम के भ्रष्टाचारी में चला जाता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के सैकड़ों मुद्दे हैं, तो उन सभी मुद्दाओं पे लगाम लगाने का काम अगर मैडम जीत के आती है तो निश्चित तौर पे बिंदुवार तरीके से उन सब विषयों पे काम होगा और जनता का उम्मीदवार होगा, जनता का निगम होगा, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चंद लोगों की जो निगम थी उस शिकंजे से निगम को बाहर निकालना, यही हमारी प्राथमिकता। दरभंगा नगर निगम में निश्चित तौर पे, जहाँ मैंने पहले ही कहा कि चंद लोगों का सिंडिकेट जो जिस निगम को चला रहा था, तो भ्रष्टाचार तो मिल बांट के लोग कर रहे थे ना। जब जनता का वहाँ प्रतिनिधि पहुँचेगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ उम्मीदवार वहाँ पहुँचेगा, तो निश्चित ऐसे चीज़ों पे लगाम और प्रतिबंध लगाने का काम और उसकी प्राथमिकता मैडम की। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। राकेश नायक, समाज सेवी, दरभंगा। जनता से मैं वादा करती हूँ कि अगर वो इस चेहरे को लेके आते हैं तो इसका अच्छा प्रयास रहेगा, अच्छी कोशिश रहेगी। गरीब गरीब लोग सिस्टम बनाऊंगी, विंडो सिस्टम बनाऊंगी जिससे डायरेक्ट गरीबों का सीधा काम होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं निर्माता नायक, समाज सेवी दरभंगा, मेरे पति राकेश नायक समाज सेवी दरभंगा महापौर पद देते हैं। मैं लगातार कुछ सालों से मैं समाज से जुड़ा रहा हूँ यहाँ में और इस बार दरभंगा नगर निगम का चुनाव, जो कि दरभंगा के एक एक जनता के वोट से चुन के लोग सदन पहुँचेंगे, मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट और पार्षद तो पूर्व से भी जनता की वोट से ही जीत के जाते थे। इस चुनाव के माध्यम से शहर की दशा और दिशा को परिवर्तन की ओर ले जाना है। जहाँ चंद लोगों की जेब से निगम चलता था, चंद परिवार के रसूख से जो निगम चलता था, वो निगम अब आम जनता का निगम होने जा रहा है, जन जन का निगम होने जा रहा है। उस की कड़ी में यहाँ से जो चुनाव आयोग का जो निर्णय है, डिप्टी मेयर और मेयर दोनों सीट महिला है, महिलाओं में इसका बड़ा हर्ष है, महिलाओं में इसकी बड़ी खुशी है कि उनको भागीदारी का मौका मिला है इस लोकतंत्र में। उसी कड़ी में मेरी धर्मपत्नी निर्माता नायक जी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र महापौर के लिए अपना निर्वाचन 16 तारीख को करेंगी, उसी संदर्भ में मैंने ये प्रेस बोला है। ये प्रश्न आपसे है, आप एक तो महिला हैं, ऊपर से युवा हैं, जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा कि चंद छुट्टियों में रहा है नगर निगम, आप जब चुन के आएंगी जनता की प्रतिनिधि होंगी, आप इलेक्टेड नहीं हो, सिलेक्टेड नहीं होंगी, इलेक्टेड होंगी, तो आप नगर निगम में जो इतने सारी चीज़ें हैं उनको कैसे आपको संभालेंगी, कैसे देखेंगी और समस्याओं को दूर करेंगे?
समस्या तो इतनी बड़ी है कि हर एक समस्या को लिया जाए तो कम है, और सबसे बड़ी समस्या है कि जल जमाव का सबसे बड़ी समस्या है। लोगों का सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी है। दरभंगा में एक तरह से देखा जाए तो जल जमाव और ट्रैफिक दोनों एक बड़ी समस्या है। आपके नज़र में कौन सा बड़ा समस्या है, और आपको जब जीत कर जनता भेजती है तो आप पहला काम कौन करेंगे? सबसे पहले तो समस्या तो दोनों ही बड़ी है, और सबसे बड़ी समस्या जब जहाँ तक है वो जनता को जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। अच्छे सड़कों का निर्माण होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी समस्या को देखते हुए इसका समाधान पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपसे अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि आखिर जनता आपको क्यों चुनती है, क्या कहेंगे? जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं वो चीज़ लेकर आऊँगी जो लोगों को चाहिए, जो लोगों के बीच मैं करने और कहने दोनों में बहुत फ़र्क है। और आज तक तो जो भी है वो कहने का काम किया गया है, जो आपके दरभंगा नगर निगम को दिख रहा है। और दरभंगा निगर सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हमारे शहर के, हमारी मिथिला की पावन धरती को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए, इसकी प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी, जिसकी जरूरत लोगों को है। दरभंगा में एक और समस्या है, सुंदरीकरण और पार्क का व्यवस्था, जो परिवार अपने परिवार के साथ लोगों दो पल कहीं बैठ नहीं सकता है, उसके बारे में आपका क्या राय? दरभंगा में बहुत से ऐसे खाली जगह हैं जिनको चिन्हित करके उसपे बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए उसपे एक अच्छा पार्क और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, जिससे एक अच्छा माहौल बच्चों को भी मिले और वृद्धों को भी मिले। वृद्धों के पेंशन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि उसे समय पे उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, तो इन सभी के समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। पब्लिक की शिकायत तब होती है जब उसको हैंडल नहीं किया जाता है, तो वही मौके के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि आप जनता एक मौका दें और वो चीज़ मैं दिखाने का वो अवसर लेना चाहती हूँ और उसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी क्या कर सकती है, अपने निगम के लिए क्या कर सकती है, क्या कह सकती है और कितना प्रोग्रेस होगा, ये चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। सड़क भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, अर्थव्यवस्था भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा, बच्चों की अच्छे एजुकेशन, औरतों का सम्मान, लड़कियों को सही अच्छा, लड़कियों को एक अच्छा सेफ व्यवस्था मिलना चाहिए। अभी आप मेयर का दावेदारी ठोकती हैं, ऐसे में आप जो है जनता से भी संपर्क कर रहे होंगे, तो जनता का क्या फीडबैक आ रहा है? फीडबैक जनता का पॉजिटिव ही आ रहा है कि अभी तक जितने भी मेयर रह चुकी हैं, अभी तक जो भी रह चुकी हैं, उनका तो कार्यकाल जो रहा उसमें जनता को भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा, और उसमें उस कार्यकाल में लोगों को ये चीज़ तो देखने को मिला कि उन्होंने क्या किया और मैंने क्या पाया, विकास की ओर कितना उसकी उन्नति हुई, स्वच्छता की ओर कितना उन्नति हुई, तो इस चीज़ को उन लोगों से अवगत तो जनता हुई होगी। तो एक नया मौका, एक नया दौर आना चाहिए, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लोगों को, नए लोगों को इस फील्ड में आकर वो चीज़ सिखाना चाहिए जो जनता चाहती है, जो जनता को मिलना चाहिए, जिससे जनता हर एक चीज़ से त्रस्त है।